Hello students, today we are going to discuss chapter 1, that is introduction to bookkeeping and accountancy. So in this chapter we are going to discuss basic accounting terminologies. तो terminologies क्या है? Terminologies मतलब क्या कि बीके के account के अलग अलग basic terms जो कि different है, that we are going to discuss in this video. So in that the first one is transaction. So transaction क्या है? Transaction मतलब business transaction where buying and selling of goods is done, जहाँ पे buying and selling of goods होता है for money or money's worth. तो buying and selling of goods and services मतलब क्या? Exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth. Exchange goods and services को exchange करना मतलब क्या करना? खरीदना या बेचना, buying and selling. तो इसे क्या कहेंगे? इट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन. तो बाइंग एंड सेलिंग क्यों करते हैं? फॉर मनी और मनीज वर्थ. व्हेन वन पर्सन सेल द गुड्स टू अनदर वन, जब एक पर्सन या पार्टी या कोई भी बिजनेस एंटिटी सेल द गुड्स टू अनदर वन, किसी दूसरे पर्सन को गुड्स सेल करता है और सामने वाला पर्सन या सामने वाली पार्टी या एंटिटी कोई भी बिजनेस उस पर्सन को उस गुड्स को खरीदते हैं, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन फॉर मनी और मनीज वर्थ. तो ये हो गया ट्रांजेक्शन. नाउ ट्रांजेक्शन के दो टाइप्स है, इट हैज़ टू टाइप्स. वन इज़ मोनेटरी ट्रांजेक्शन एंड अनादर वन इज़ नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन. तो मोनेटरी ट्रांजेक्शन में ही उसका मीनिंग है, वेयर द मनी इन्वॉल्व. मोनेटरी मतलब क्या? वेयर द मनी इन्वॉल्व. तो वो हो गया मोनेटरी ट्रांजेक्शन कि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, एंड ऐसे ट्रांजेक्शन को ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. सो द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज मोनेटरी ट्रांजेक्शन एंड सच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट. उसका ऐसे ट्रांजेक्शन का अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. इट हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ कैश ट्रांजेक्शन एंड वन इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज़ पेड और रिसीव्ड इमीजिएटली. जहाँ पे आप कैश का पेमेंट करते हो या कैश रिसीव्ड होता है इमीजिएटली, वो हो गया कैश ट्रांजेक्शन. इसे हम क्या कहेंगे? कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे. तो ये कैश आप डिजिटली भी पे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली पैसा देके भी आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो. मतलब कि अभी कैश ट्रांजेक्शन कैशलेस भी होता है, डिजिटली भी होता है, या आप फिजिकली कैश देके भी पेमेंट कर सकते हो. तो ये हो गया कैश ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन के बाद जो सेकंड टर्म है वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. मोनेटरी ट्रांजेक्शन के टू टाइप्स है, वन इज़ कैश ट्रांजेक्शन एंड द अनदर वन इज सेकंड वन इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब क्या कि जहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं है. वेयर यू पे द मनी बट इन फ्यूचर डेट, आप फ्यूचर में उसका पेमेंट करते हो, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या हो रहा है फिर? अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन है इन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड, आप कैश पे नहीं कर रहे हो, और रिसीव्ड इमीजिएटली. आप कैश का पेमेंट इमीजिएटली कर रहे हो क्या? नहीं, गुड्स एक्सचेंज हो रहे, बट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन यू आर नॉट पेइंग द मनी और यू आर नॉट रिसीविंग द मनी. यू पेड इट और यू रिसीव्ड इट एट अ लेटर डेट, मीन्स इन फ्यूचर. आप फ्यूचर डेट में पेमेंट करते हो या फिर पेमेंट मिलता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर वन मंथ, आफ्टर टू मंथ, आफ्टर थ्री मंथ आपको पेमेंट मिलेगा या फिर आप पेमेंट रिसीव करोगे, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बाद द अनदर टर्म इज नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन. नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि वेयर द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली और
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड एज नॉन मोनिटरी ट्रांजेक्शन. मीन्स जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, यू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स. आप गुड्स एक्सचेंज करते हो फॉर गुड्स. आप एक गुड्स देके दूसरा गुड्स खरीदते हो, तो वो क्या हो गया? नॉन मोनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया, जहाँ पे मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली भी नहीं और इनडायरेक्टली भी नहीं. तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉन मोनिटरी ट्रांजेक्शन कह सकते हैं. मतलब कि जिसे हम अलग टर्म में बार्टर एक्सचेंज कहते हैं या मनी लेस ट्रांजेक्शन कहते हैं. देन द अनादर टर्म इज़ एंट्री. एंट्री मतलब क्या? कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे उन सब का रिकॉर्ड, मतलब एंट्री. सो रिकॉर्डिंग द समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द जर्नल मीन्स एंट्री. तो रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड. प्रॉपर फॉर्म क्या है? प्रॉपर फॉर्म है डेबिट एंड क्रेडिट में उसकी एंट्री करना. तो वो क्या है? एंट्री है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप प्रॉपर फॉर्मेट में जब एंट्री करते हो तो वो जर्नल है, वो सब्सिडरी बुक है, वो लेजर है. उसमें आप प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर मेथड में जब आप रिकॉर्ड करते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन का, तो वो क्या हो गई? तो वो हो गई स्टूडेंट एंट्री. तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ मैं, वो जर्नल का फॉर्मेट है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट इस तरीके से कॉलम बनते हैं. तो वहाँ पर भी आप एंट्री करते हो, वहाँ पर भी जो रिकॉर्ड करते हो वो जर्नल एंट्री होती है. तो जर्नल एंट्री जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसके नीचे आप उसका उस रिकॉर्ड का एक्सप्लेनेशन लिखते हो, जिसे हम कहते हैं नरेशन. सो नरेशन इज़ नथिंग बट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो आप करते हो एंट्री का, यू रिटर्न इट जस्ट बिलो द एंट्री, इट इज़ कॉल्ड एज अ नरेशन. तो नरेशन क्या हो गया? नरेशन मीन्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास इज कॉल्ड एज नरेशन. तो आपने जो एंट्री पास की है उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब कि नरेशन. तो नरेशन जो है वो जर्नल एंट्री में देखो दिख रहा है, डेबिट और क्रेडिट की जो जर्नल एंट्री है उसके नीचे ब्रैकेट में जो बीइंग से स्टार्ट होता है वो क्या है? नरेशन है. मतलब आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि नरेशन इज़ ऑलवेज इन ब्रैकेट. नरेशन किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं. एंड इट इज़ ऑलवेज रिटर्न बिलो द जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री के नीचे ही नरेशन का रिकॉर्ड होता है. सो इट इज़ रिटर्न बिलो जर्नल एंट्री. एंड देखो जर्नल एंट्री के नीचे कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग. सो नरेशन इज ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग और फॉर. बीइंग या फॉर वर्ड से नरेशन जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है. नरेशन क्यों लिखते हैं? टू अंडरस्टैंड द एंट्री. आपको एंट्री जो है वो समझ में आनी चाहिए कि क्यों पास की थी, इसके लिए नरेशन लिखा जाता है. सो नरेशन जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल. देन द नेक्स्ट टर्म इज़ गुड्स. तो गुड्स क्या है? गुड्स कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है विच इज प्रोड्यूस और परचेज फॉर सेल बाय अ ट्रेडर इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड गुड्स. तो कोई भी कमोडिटी है, आर्टिकल है जिसमें ट्रेडर डील करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो उस बिजनेसमैन का क्या हो गया? गुड्स हो गया. अगर आपका बिजनेस है क्लोथ का, तो क्लोथ आपके लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए. तो गुड्स क्या है? द टर्म गुड्स रिफर टू आर्टिकल और थिंग इन विच अ ट्रेडर डील.
जिसमें ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग करता है, डील करता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करता है वो गुड्स है। नेक्स्ट टर्म इज़ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल मीन्स कैपिटल, देखो स्टूडेंट सबसे पहले ये ध्यान रखो, कैपिटल अमाउंट ऑफ कैश हो सकता है, अमाउंट ऑफ गुड्स हो सकता है, अमाउंट ऑफ असेट भी हो सकता है। तो कैपिटल कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, असेट में हो सकता है। तो जो भी कैश गुड असेट यू इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। मीन्स टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, ओनर या प्रोप्राइटर, ओनर जिसे हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं या बिजनेसमैन, कैश गुड्स और असेट जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपिटल। सो कैपिटल ये जो टर्म है इट इज़ अ लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल लायबिलिटी है किसके लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं। कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस एक अलग टर्म है, बिजनेसमैन एक अलग एक्जिस्टेंस रखता है और बिजनेस एक अलग एक्जिस्टेंस रखता है। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट हो सकता है? कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी करके आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट टर्म इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है? द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स और असेट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर जो है, ओनर को हम प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। ओनर या प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस से जब कैश गुड्स और असेट विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम ड्रॉइंग कह सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही गुड्स से कैश विड्रॉ कर रहा है अपने खुद के यूज़ के लिए, या गुड्स कर रहा है या असेट कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज़, इट इज़ कॉल्ड एज ड्रॉइंग। देन द नेक्स्ट टर्म इज डेटर। डेटर क्या है? फर्स्टली डेटर इज़ अ पर्सन और एन एंटिटी। डेटर पर्सन है या एंटिटी है? तो जो अ पर्सन वो हैज़ टू पे टू द बिजनेस, जो पर्सन है या एंटिटी है उसको बिजनेस को पे करना है, टोटल सम ऑफ मनी ही हैज़ टू पे टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ डेटर। सो डेटर इज़ अ कस्टमर जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदता है, क्रेडिट पे परचेज करता है मटेरियल को, तो वो हो गया डेटर। सो डेटर कौन है? अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस पे जिसको, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज लिए है वो कौन है? डेटर है। तो उसको अभी उसके डेब्ट जो है वो पे करने हैं, उसको डेब्ट का पेमेंट करना है। किसे करना है पेमेंट? उसको डेब्ट का, बिजनेस को, तो वो डेटर है। नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर। क्रेडिटर अगेन, क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी। क्रेडिटर भी एक पर्सन है या एंटिटी है टू whom द बिजनेस हैज़ टू पे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो डेटर जो है उसको बिजनेस को पेमेंट करना था, क्रेडिटर जो है उसको बिजनेस पेमेंट करेगा। तो अ पर्सन और एंटिटी टू whom बिजनेस हैज़ टू पे, बिजनेस को पेमेंट करना है, ठीक है? बिजनेस हैज़ टू पे, बिजनेस उसको पेमेंट करेगा। मतलब क्रेडिटर क्या हो गया हमारे लिए? सप्लायर हो गया स्टूडेंट। क्रेडिटर कौन हो गया? सप्लायर हो गया। तो क्रेडिटर कौन है? अ पर्सन और एंटिटी टू whom बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस पे आपने लिए है उसके पास से गुड्स एंड सर्विसेज, आपने उसके पास से गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट बेसिस पे खरीदे हैं, अभी आपको उसका पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर आपके लिए क्या बन गया? क्रेडिटर इज सप्लायर। क्रेडिटर कौन है? सप्लायर है। देन द नेक्स्ट टर्म इज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब कि अ सम ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम अदर पर्सन इज कॉल्ड डेब्ट, एंड द डेब्ट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड एफर्ट्स आर कॉल्ड बैड डेब्ट।
मतलब आपने डेटर से आपका पैसा आना बाकी है, पर आपने कितना भी एफर्ट लिया पर डेटर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, बैड डेब्ट्स है। तो बैड डेब्ट्स क्या है, एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट्स। डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर से आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो जो पैसा कस्टमर से नहीं आया वो पैसा आपका डूब गया, तो वो जो पैसा आपका डूब गया वो क्या है, बैड डेब्ट्स है। देन द नेक्स्ट टर्म इज गुडविल। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल जो है वो मतलब क्या है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन मार्केट। मार्केट में गुडविल, आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो गुडविल है, और गुडविल जो है वो मनी में भी काउंट हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मनी वैल्यू ऑफ अ बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द बिजनेस हाँ ओवर अ नंबर ऑफ पास्ट फ्यू ईयर इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन और नेम एस्टैब्लिश इन द मार्केट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके मार्केट में आपका जो नेम एस्टैब्लिश हो रहा है वो गुडविल है, एंड गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट, क्योंकि ये असेट है बट यू कैन नॉट टच इट, आप इसको टच नहीं कर सकते, तो वो इंटेंजिबल असेट है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज असेट। तो असेट क्या है, असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप, सारे टाइप की प्रॉपर्टी पजेस बाय द ओनर, इट इज़ नोन एज असेट। तो जो ओनर या फिर बिजनेस प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, द प्रॉपर्टी ओन एंड पजेस बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज असेट। तो प्रॉपर्टी किसी भी टर्म में, किसी भी टाइप में हो सकती है, तो मतलब कि वो फिक्स असेट में भी हो सकती है, करंट असेट में भी हो सकती है, टेंजिबल असेट में हो सकती है, इंटेंजिबल असेट में हो सकती है, फिक्टिशियस असेट में हो सकती है, पर उसका जो है वो मोनेटरी वैल्यू चाहिए असेट का। तो टाइप्स ऑफ असेट, असेट के अलग अलग टाइप्स हैं। असेट हैज़ टू मेन टाइप्स, दैट इज़ फिक्स असेट एंड करंट असेट। असेट के टू मेन टाइप्स है, फिक्स असेट एंड करंट असेट है। देन असेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, एंड सम टाइम असेट इज़ फिक्टिशियस अल्सो, असेट फिक्टिशियस भी हो सकता है। फिक्स असेट एंड करंट असेट मीन्स जिसको हम रियल असेट कहते हैं। तो सबसे पहला टर्म है फिक्स असेट। फिक्स असेट क्या है, फिक्स असेट आर दोज असेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस में रहता है वो फिक्स असेट है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, हाँ जो व्हीकल है, ये सारे क्या है, ये फिक्स असेट है। आपने एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट किया, ये आपको लॉन्ग पीरियड तक का बेनिफिट देंगे, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो ये फिक्स असेट है। करंट असेट, करंट असेट क्या है, करंट असेट द असेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड तक रहता है वो करंट असेट असेट है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैश है, रॉ मटेरियल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अकाउंट रिसिवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक्स, तो ये करंट असेट है जो कि शॉर्ट पीरियड तक रहते हैं बिजनेस में, इट गिव्स यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो ये करंट असेट है। देन नेक्स्ट इज फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट मतलब कि जो हमें लगता है कि ये असेट है बट दे आर नॉट एक्चुअली अ असेट, वो असेट नहीं होते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे आप खर्चा करते हो, ये आपको बेनिफिट देगा पर ये एक्चुअली असेट नहीं है, इट गिव्स यू बेनिफिट, जैसे असेट बेनिफिट देता है वैसे आपको बेनिफिट देगा बट इट इज़ नॉट एक्चुअली।